Drop it. हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम फाइनली पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जो है आपके चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है, उधर भी हम और कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, बट वो लेटर ऑन हमारे चैप्टर मतलब लेटर ऑन हम पढ़ लेंगे। पहले हमको चैप्टर नंबर 4 को समझने की जरूरत है कि कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे इंडिया में अभी चल रहे हैं, और हमको समझने की जरूरत है कि कब कहाँ पे हमको कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए। क्यों समझने की जरूरत है कि कब, जब आप बहुत स्मॉल स्केल पे काम करते हो तब कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए, जब आप एक लार्ज स्केल पे काम करते हो तो कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए। तो यही समझने के लिए हमको ये चैप्टर दिया गया है, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पूरा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से सेक्टर में आते हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अभी ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओन्ड कंट्रोल एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। और ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो क्या होता है, मेन मोटो होता है टू अर्न प्रॉफिट। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई, या आप अमेजोन ले सकते हो, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो भी मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं, तो इनके जो ओनर देखोगे तो वो ओनर प्राइवेट पीपल, प्राइवेट पर्सन है, प्राइवेट पीपल है, दे आर नॉट गवर्नमेंट एजेंसी, या दे आर नॉट गवर्नमेंट विच आर फंडेड बाय गवर्नमेंट, दे आर नॉट पीपल विच टेक फंड फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमको मेनली वो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन समझना है जो कि एक इंडिविजुअल ओपन कर सकता है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकता है, जैसे आप और मैं। ठीक है, सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी दैट इज रन बाय इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू अर्न प्रॉफिट। अभी प्राइवेट सेक्टर मैम ग्रुप ये होते हैं जो प्राइवेट पीपल ओपन करते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी रहती है उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ना, वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है मेनली, और जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आता है वो प्राइवेट पीपल ओन्ड कंपनी होती है। ठीक है, उन्होंने अपने बलबूते पे कंपनी बनाई रहती है। तो आप अपने बलबूते पे, दैट इज गवर्नमेंट की बिना हेल्प लिए, गवर्नमेंट के विदाउट फंड लिए आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर सकते हो, तो इट इज सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। नाउ ये 5 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्यों, तो देखो हर एक जो आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है उसके अपने ही एडवांटेज है, अपने ही कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे पहले के जमाने में आप बोल सकते हो सोल प्रोप्राइटर वॉज द बेस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मैं ओपन करती थी, क्योंकि तब वो इजी टू मेक था, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती थी, और पहले के जमाने में जब मैं बिजनेस ओपन करना चाहती थी तो ज्यादा फंड भी रिक्वायर्ड नहीं होता था, ज्यादा कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी। बट आज के टाइम पे अगर आप देखो तो आज के टाइम पे ज्यादा एक्सपर्टीज, ज्यादा लोगों का रहना जरूरत है, ज्यादा स्किल रहना जरूरत है, ज्यादा कैपिटल रहना जरूरत है, तभी मैं बाकी के प्रोडक्ट को कॉम्पीट कर सकती हूँ, कॉम्पिटिशन दे सकती हूँ। ठीक है, जब मेरा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा मार्केट में तभी लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो वो बेस्ट होने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, और आज के टाइम पे आप देखोगे तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं सेटअप करना इंस्टेड ऑफ सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म। तो इस चैप्टर में हम वन बाय वन यही सब देखने वाले हैं कि क्या एडवांटेज है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, और उसको हम समझेंगे कि हम कौन कौन से उनको एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है उसको स्टैब्लिश करने के लिए, कितने लोग रिक्वायर्ड रहते हैं, कितने क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है। तो ये सारा चैप्टर आपको हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये 5 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाएगा। तो देखो उन्होंने क्या बोला है कि प्राइवेट सेक्टर जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. क्यों? आपको एक एक फैक्ट बोलती हूँ. 1991 में आपको अगर पता होगा तो हमारे देश में एलपीजी लागू हुआ था, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अगर आप एलपीजी से पहले का सीन देखोगे या आप पोस्ट इंडिपेंडेंस से बाद का सीन देखोगे, मतलब जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के बाद एंड 1991 से पहले का सीन, ये इस बीच, इस दौरान के बीच में आप देखोगे तो मेनली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे वो पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन थे एंड मोस्टली जो थे वो मोनोपोलीज कंपनीज थी. मतलब जो मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करके रखते हैं ना, वो क्यों मोनोपोली हो रही थी? क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादातर बहुत सारे बिजनेसेस में प्राइवेट लोगों को एंटर ही नहीं करने दे रहे थे, और एंटर अगर करने दे रहे थे तो वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रख रहे थे कि आपको ये भी करना पड़ेगा, आपको वो भी करना पड़ेगा. फिर जाके 1991 में एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, जहां पे प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा पुश दिया गया. ये पुश की बहुत जरूरत थी क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वजह से, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, लॉस मेकिंग कंपनी थी, ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी, और इससे हमारा जो रिसोर्सेज है, हमारे कंट्री का जो फ्रूटफुल रिसोर्सेज है, वो वेस्ट ऑफ, मतलब वेस्ट जा रहा था, किसी काम का नहीं आ रहा था, फंड वेस्ट जा रहा था. तो गवर्नमेंट ने इसको तुरंत समझा और तुरंत 1991 में एलपीजी करके पॉलिसी जो है वो लागू कर दिया. एलपीजी में क्या था अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो, बहुत सारे प्राइवेट लोगों को, मतलब इंडिविजुअल्स को, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने को अलाउ किया गया, बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ करने को. ये जो बैरियर है, देश के किनारे बैरियर लगा रखा था कि कोई इंपोर्ट नहीं करेगा, कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, कोई क्यों लगा रखे थे कि कहीं हमारे जो रिसोर्सेज है वो बाहर सारे के सारे एक्सपोर्ट ना हो जाए, इसीलिए ये सब बैरियर कुछ लगा रखे थे पहले जमाने के लोगों ने, उसको हटा दिए गए. उसके बाद जो हमारा इंडिया, जो अगर एलपीजी के बाद अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चेंज आया गया. पास्ट 20 ईयर, पास्ट 30 ईयर में आप देखोगे तो इतना डेवलप हुआ है हमारा कंट्री. इनफैक्ट बहुत सारे एमएनसीज कंपनी इंडिया को एक प्लेस देखते हैं जहाँ पे वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, बिकॉज इधर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि वो ग्रैब कर सकते हैं, और बहुत सारा मार्केट है जो कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए ले सकते हैं इधर से. तो इस सब की वजह से हमारा इंडिया जो है बहुत डेवलप हुआ, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल माना गया है पास 30 डिकेड से. सो देखो, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज फ्लडेड विद द प्राइवेट इंडियन कंपनी. इनफैक्ट दे आर डोमिनेटेड द सेड इंडस्ट्रीज. तो आज के जमाने में ये प्राइवेट सेक्टर जो है मेनली उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक ले रखा है पूरे शेयर में. गवर्नमेंट कंपनी अभी कम हो गई है एज कंपेयर टू, जो अगर आप पास्ट 50 ईयर्स में देखोगे तो अब गवर्नमेंट कंपनी इतना ज्यादा नहीं दिखती है जितने प्राइवेट सेक्टर कंपनीज दिखती हैं. सो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कवरिंग सेक्टर लाइक ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज्यादा है, केमिकल, टेक्सटाइल, एग्रो, फूड, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट वर द मेन ड्राइव फॉर द ग्रोथ. सो हमारे जब इंडिया में ये सारे बिजनेस सेटअप होने लग गए तो ये ग्रोथ मेनली इन सब बिजनेस के वजह से हुआ. ओके, नाउ 4.2, अब हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दैट इज व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ अभी आपको एक नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या, सोल ट्रेडिंग कंपनी मतलब क्या? जो मेनली एक बंदा चलाता है, वन मैन आर्मी, जैसे जो बोलते हैं ना वन मैन आर्मी, तो यही वन मैन आर्मी का ही कंसेप्ट इधर यूज किया है कि मैनेजर भी वही इंसान होगा, ओनर भी वही इंसान एंड कंट्रोलर भी वही, वही डिसीजन लेगा, वही डिसीजन इंप्लीमेंट करेगा, वही रिस्क बेयर करेगा, वही कंपनी का ओनर मालिक रहेगा, एंड ये दैट ऑल applicable to sole proprietorship. In the history and development of commerce, there are various form of business organization. It began from sole trading concern. Sole proprietor is the oldest and the simple form of organization. जैसे मैंने बोला कि इसके लिए ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है. अगर आप अपना आज भी अगर बैठे बैठे मेरा लेक्चर आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करना चाहते हो तो आप चुटकी मार के ओपन कर सकते हो. आपको ज्यादा से ज्यादा जरूरत क्या है, आपकी खुद का पैन कार्ड होना चाहिए,
ठीक है, एक शॉप एक्ट होना चाहिए आपके बिजनेस की, आपका बिजनेस क्या है वगैरह, और शॉप एक्ट जो भी है वो आजकल ऑनलाइन प्रोसीजर से निकल सकता है। सिर्फ ये दो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप अपने घर पे ही सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर सकते हो अपने नाम पे। द वर्ड सोल मीन्स अ सिंगल एंड अ प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर, ठीक है। सोल मीन्स अकेला बंदा एंड प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर, तो एक बंदा जो रहता है ओनर रहता है इस फर्म का, इस ऑर्गेनाइजेशन का। Thus the name itself suggests that there is only one owner and the sole trader is the independent owner of the business. The proprietor has all right and responsibility of the business and any profit or loss made, example grocery shop, beauty parlor, gift shop. So आपने आसपास के पड़ोस में जाके देखो, जो भी आपके आसपास में पड़ोस में मिलेंगे ना, वो mainly sole proprietor रहेंगे, जो अकेला बंदा ही उसका owner, उसका manager, उसका controller रहेगा। वही अकेला बंदा अपने पूरे बिजनेस को संभाल रहा होगा। मेनली इसमें ग्रोसरी शॉप, ब्यूटी पार्लर्स या गिफ्ट शॉप जो आते हैं वो इंडिपेंडेंट ओनर रहता है, उसको ना किसी की सुनना है। और इसमें गवर्नमेंट भी जो है ना बहुत कम दखल अंदाजी करते हैं, मतलब गवर्नमेंट का कोई कुछ नहीं है। आप सिर्फ इनकम टैक्स भर दो, जितना कमाया है उस पर आप इनकम टैक्स भर दो, उतना बस गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी, और ज्यादा कुछ इंटरफेयर आपको मंथली रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कंपनीज में अगर आप ओपन करते हो तो कंपनीज में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती हैं जो कि आपको करना पड़ता है, बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा कुछ नहीं रहता। नाउ मीनिंग इन दिस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज ओन कैपिटल, आपको खुद का पैसा लगता है, यूजेज हिज ओन स्किल, आपको खुद का स्किल लगता है, अंडरटेक्स द बिजनेस एक्टिविटी, ही मैनेजेस अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, इंजॉय प्रॉफिट एंड बेयर द लॉस ऑन हिज ओन। दिस फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज प्रोप्राइटरशिप, द सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड सोल ट्रेडिंग। अभी ये देखो कितने नाम से ये जाना जाता है, इसको हम प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हैं, सोल ट्रेडर भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न भी बोल सकते हैं, या सोल ट्रेडिंग कंसर्न भी बोल सकते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस होगा, इट बिलोंग टू दैट पर्सन ओनली, ठीक है। इसमें वो नहीं आके बोल सकते कि ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा नहीं, क्योंकि उसी ने पैसा लगाया है और वही पैसा कमा रहा है अपने स्किल को यूज करके। तो जो भी प्रॉफिट होगा उस सोल प्रोप्राइटर का ही होगा, ठीक है, क्योंकि वही सारा मैनेज कर रहा है। नाउ कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है कुछ ऑथर से। सो एज पर प्रोफेसर जे हंसिन, उन्होंने क्या बोला है, समटाइम नोन एज वन मैन बिजनेस, वन मैन आर्मी होता है ना, तो ये वन मैन बिजनेस है। इट इज द टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल, फॉर बेरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर वेयरिंग द रिस्क ऑफ ओनरशिप। तो इधर एक अकेला बंदा जो होता है वो कैपिटल प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है बिजनेस को, वो अकेला बंदा रिस्क बेयर करता है, कुछ हो गया बिजनेस को तो उस पर ही रिस्क आएगा। जैसे आपने देखा होगा ओ माई गॉड में वो गिर जाता है ना, अर्थक्विक से हो जाता है ना कुछ, तो भी बारिश होती है और अगले दिन पता चलता है उसका पूरा का पूरा जो घर है वो सत्यानाश हो गया है, तो उस किसका लॉस होता है उसमें, सिर्फ उसका ही होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे उस मूवी में, तो उसका ही पूरा का पूरा लॉस होता है और किसी का नहीं, क्योंकि वही अकेला ओनरशिप है जो रिस्क के ओनरशिप के बदले रिस्क को हैंडल करेगा। और आपको प्रोफेसर जेम्स लैंडी ने दिया हुआ है एक डेफिनेशन, द सोल प्रोप्राइटर इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। तो ये एक इनफॉर्मल बिजनेस है, मैंने आपको जैसे अभी बोला ना कि आप घर बैठे बैठे भी अपना सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर सकते हो, ज्यादा फॉर्मेलिटीज की, ज्यादा परमिशन की, ज्यादा ये रजिस्ट्रेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती। आपके पास सिर्फ खुद का पैन होना चाहिए, शॉप एक्ट होना चाहिए, ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल हुए, आप अपना शॉप एक्ट एक इनफॉर्मल तरीके से ओपन कर सकते हो विदाउट रजिस्ट्रेशन। ओके, नाउ वी हम अभी एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, दैट इज इसका कुछ फीचर्स, ठीक है। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसके, तो सबसे पहले इंडिविजुअल ओनरशिप, जो ओनर रहता है वो सिर्फ अकेला ही ओनर रहेगा, उसमें और कोई ओनर नहीं रहेगा, इंडिविजुअल ओनरशिप, और वो इंसान रहना चाहिए, मेनली वो इंसान रहना चाहिए।
जैसे आप बोल रहे होगे मैम ऐसे क्यों बोल रही है कि इंसान होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है ठीक है जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन एक सोल प्रोप्राइटर ओपन कर सकता है, नहीं, एक इंडिविजुअल का ओनरशिप, देयर इज ओनली वन ओनर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ही इन्वेस्ट ऑल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस, ही ओन ऑल द असेट ऑफ द बिजनेस, ही ऑल्सो रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. तो अकेला ही ओनर होना चाहिए एक इंडिविजुअल, जो सारे के सारे रिस्क बेयर करेगा, वही ओनर रहेगा, वही पैसे लाएगा, वो उस जो सारे असेट का मालिक रहेगा वही इंसान रहेगा उस बिजनेस में, और रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारे लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए. नाउ नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आप मुझे बोलो अगर बिजनेस में कोई ओनर ही नहीं है ठीक है उसके सिवा उसके साथ, तो उसको क्यों शेयर करने की जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट. जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा, इनफैक्ट प्रॉफिट भी लॉस भी, वो उसी ओनर का माना जाएगा. प्रॉफिट आया तो वाह, लॉस आया तो उसको ही सहना पड़ेगा, किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकता है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये थर्ड पॉइंट जो है उसमें क्या बता रखा है कि ये एक तरीका है अब खुद को एम्प्लॉयमेंट देने का. जैसे कि कभी कभार इंसान क्या करते हैं, दूसरों के यहाँ जाके जॉब ढूंढते हैं, तो ये एक मेथड है जहां पे आप दूसरों को यहाँ नहीं, आप खुद को एम्प्लॉयमेंट देते हो, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का तरीका है ठीक है. सो अगर आप एक अनएम्प्लॉयड पर्सन हो और अपना खुद का सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करते हो, तो यू विल बी नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड, आपने खुद को एम्प्लॉय किया है, खुद को काम पे लगाया है, ऐसे आप बोल सकते हो. नाउ लोकल मार्केट ऑपरेशन, सो मेनली आप अगर सोल प्रोप्राइटर ओपन करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आप लोकल एरिया में ही ज्यादा मतलब काम कर पाओगे, आपको आप ज्यादा दूर तक लोगों को आप मार्केट कैप्चर नहीं कर पाओगे. मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी शॉप ओपन करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप उस एरिया के लोगों के मार्केट को कैप्चर कर पाओगे ठीक है, अपने कस्टमर बना पाओगे. आप डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इधर नहीं बुला सकते ना ठीक है, क्योंकि आप अकेले ओनर हो, आप कहाँ कहाँ जाओगे, एक अकेला इंसान थोड़ी उधर भी है इधर भी है, तो अकेले इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक लोकल मार्केट ही कैप्चर करने आ सकता है. सो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड एक्सपीरियंस एबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ लार्ज स्केल बिजनेस. अ सोल ट्रेडर इज लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, हेंस जनरली अ सोल ट्रेडर ऑपरेट्स इन अ लोकल मार्केट. अगर आप बहुत ज्यादा स्केल पे चलाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को भी जरूरत पड़ती है, बहुत सारे फंड्स की भी जरूरत पड़ती है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में ना ही ज्यादा लोग होते हैं ओनर, और ना ही फंड ज्यादा हम ला पाते, क्योंकि हम सिंगल ओनर होते हैं, तो हम कितना ज्यादा फंड इन्वेस्ट कर पाएंगे अपने बिजनेस में. सो लोकल मार्केट ऑपरेशन, नो सेपरेट लीगल स्टेटस. नाउ इसका मतलब क्या होता है, तो लॉ की नजरों में आपका ये दुकान जो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन किया है, और आप एक ही माने जाते हो. मैंने क्या बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि आपके पास अगर खुद का पैन कार्ड रहेगा तो भी आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर सकते हो, बिकॉज लॉ की नजरों में आप और आपका बिजनेस वन एंड द सेम है. क्या बोला, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से. आपका जो लीगल स्टेटस होता है गवर्नमेंट के नजरियों में, वो आपका नाम ही रहता है. मतलब सोल प्रोप्राइटर जो अपना दुकान है, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो आपका बिजनेस है, बोल सकते हो दुकान बिजनेस जो भी बोल सकते हो ठीक है, वो आप ही है, ऐसा मानेंगे, लॉ ऐसा मानेगी ठीक है. सो सिक्स, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन. अभी ये जो मैंने आपको बोला था कि जो गवर्नमेंट है वो आपके बिजनेस में इतना ज्यादा दखल अंदाज नहीं करेगी, कम से कम दखल अंदाजी करती है गवर्नमेंट. मतलब आप अगर आप पांचों में से कंपेयर करो, तो जहां पे मिनिमम फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम परमिशन की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. ना ही आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटे से रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, दैट इज शॉप एक्ट, उसके सिवाय और कुछ नहीं. तो मिनिमम इंटरवेंशन आप बोल सकते हो, या मिनिमम रेगुलेशंस. देयर इज नो सेपरेट एक्ट और लॉ टू गवर्न द एक्टिविटी ऑफ सोल ट्रेडर कंसर्न. द रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट कंपल्सरी,
कोई जरूरत नहीं है. रिजिड लीगल फॉर्मेलिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन. आप कंपनी बनाने जाओगे ना तो आपको एक महीना लगता है कंपनी फॉर्म करने में. आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाने के लिए आपको एक मिनट नहीं लगेगा. ओनली द टैक्स लॉज एंड लेबर लॉज हैव टू बी फॉलोड. तो कुछ लॉज है जो इंडिया में हर एक को एप्लीकेबल होते हैं, वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा. बाकी कोई स्पेसिफिक एक्ट इसके लिए बना नहीं है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन होते हो तो ये स्पेसिफिक एक्ट है जो आपको लागू होगा. ऐसा एक्ट अभी तक बना नहीं है. जैसे अगर आप देखोगे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट बना है, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट बना है, कॉपरेटिव सोसाइटी के लिए कॉपरेटिव एक्ट बना है. तो हर एक के लिए अपना स्पेसिफिक एक्ट है. बट अगर आप इसमें देखोगे सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है. राइट. सो मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन कहने का मतलब ये है. नाउ सेवेंथ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अभी ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस का लाइबिलिटी, जो बिजनेस का असेट है, ठीक है, ऐसा कभी कभी सिचुएशन हो जाता है ना कि मेरे पास अब पैसे ही नहीं बचे. जब मैं फॉर एग्जाम्पल एक शॉप चला रही हूं, अब मेरे पास पैसे ही नहीं बचे क्रेडिटर्स को पैसा देने के लिए, तो वो क्रेडिटर मेरे पर्सनल असेट को, दैट इज मेरे घर में जो टीवी फ्रिज है, वो भी बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है. दैट इज एक सोल प्रोप्राइटर को बोलू तो ही हैज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में, अगर सोल प्रोप्राइटर कंसर्न में वो अपनी लाइबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पाया, तो क्रेडिटर, ठीक है, जो क्रेडिटर रहेंगे जिसकी लाइबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पाया वो, तो वो इंसान मेरे घर पे जा सकता है और मेरे टीवी फ्रिज को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है. देखो ये सब केसेस जॉइंट स्टॉक कंपनी में नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो अलग है. पार्टनरशिप फॉर्म में है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वो हम पढ़ेंगे. बट सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का है. मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लाइबिलिटी रहती है ना, वो लिमिटेड नहीं रहती है, अनलिमिटेड रहती है. कि अगर आप पैसे नहीं पे कर पाए तो आपके पर्सनल असेट को भी सेल करके रिकवर कर सकता है क्रेडिटर. ओके, सो उन्होंने वो दिया हुआ है. सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इंप्लाइज दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ सोल ट्रेडर. इफ द बिजनेस असेट आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ लाइबिलिटी द बिजनेस, देन बिजनेस देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल ट्रेडर मे बी अटैच टू द बिजनेस प्रॉपर्टी. ओके, तो उसका मतलब वही है कि आपके पर्सनल एसेट को भी बेचा जा सकता है फॉर कंप्लीटिंग द बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज रहेंगी उसको कंप्लीट करने के लिए. ओके, Oh, 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 oh